एबीपी। देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 75 लाख के पार, 24 घंटों में सामने आए 75,829 नए मामले। बीजू जनता दल के वरिष्ठ नेता प्रदीप महारथी का निधन, कोरोना वायरस से थे संक्रमित। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी श्यामजी कृष्ण वर्मा को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। हाथरस और पश्चिम बंगाल में दुष्कर्म की घटनाओं को लेकर 6 अक्टूबर को कांग्रेस वाम मोर्चे का प्रदर्शन। कृषि बिल का विरोध कर रही पार्टियों पर प्रकाश जावड़ेकर का हमला, कहा बिचौलियों के बिचौलिए। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का हुआ दिल का ऑपरेशन, बेटे चिराग ने किया भावुक ट्वीट। कमलनाथ की शिवराज सिंह को चुनौती, 15 साल बनाम 15 माह पर चर्चा को तैयार। यमुना एक्सप्रेस वे में राहुल गांधी ने भरी नई उड़ान, जल्दी संभालेंगे पार्टी की कमान। श्रमिकों के जीवन में बड़ा बदलाव, लाएंगे श्रम सुधार विधेयक, उद्योगों को भी होगा फायदा। बाल ठाकरे किसी का घर तोड़ने में नहीं, टूटने से बचाने में यकीन रखते थे। हाथरस पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे राहुल व प्रियंका गांधी, जमकर हुआ हंगामा, मामला हुआ दर्ज। मथुरा के शाही ईदगाह हटवाने के लिए इस दिन जिला जज की अदालत में की जाएगी अपील। शिवराज सिंह चौहान का ऐलान, मध्य प्रदेश में दुर्गा प्रतिमाओं पर नहीं रहेगा 6 फीट ऊंचाई का प्रतिबंध। MSIP बोली, मैं निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई गई, UIDAI। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को बीते वित्त वर्ष में हुआ 2,206 करोड़ रुपए का घाटा। सेल के चेयरमैन ने कहा, कुकिंग कोयले के आयात को नए बाजारों की संभावनाएं तलाश रहे हैं। वोडाफोन पर मध्यस्थता मामले में कानूनी विकल्पों पर विचार कर रही है सरकार। प्रधानमंत्री मोदी ने देश को समर्पित की अटल सुरंग। मुंबई इंडियंस के SXIP को 48 रनों से हराया। कोरोना काल में जिंदगी का लुत्फ उठाते बॉलीवुड के सितारे। कोरोना वायरस से संक्रमित ट्रंप का आया बयान, कहा अब बेहतर महसूस हो रहा है, जल्द ही लौटूंगा। फिलाडेल्फिया में बदमाशों ने ATM में किया धमाका, नहीं ले जा पाए पैसा। आर्मीनिया से झड़प के बीच अजरबैजान ने गांव पर कब्जे का दावा किया। डोनाल्ड ट्रंप के स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है, ज्वर और सांस लेने में तकलीफ नहीं है, डॉक्टर का कहना है। वायुवल थकान के कारण इस लीग से हट सकते हैं डेविड वार्नर।